शहीद मंगल पांडे की आज शहादत दिवस रही कदम तर चौराहे पर। आज जिलाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद ये कार्यक्रम बड़ा ही जानदार और शानदार तरीके से रहा और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने शहीद मंगल पांडे को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज पूरा कदम तर चौराहे पर शहीद मंगल पांडे की जयकारे लगे और शहीद मंगल पांडे अमर रहे के नाम से आज पूरा ये कदम तर गुज उठा। आइए बात करते हैं शशिकांत चतुर्वेदी जी से, जिस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं, इस बार भी आयोजित किया इन्होंने। आइए बात करते हैं कि ये परंपरा कब से रही है और कौन कौन लोग शामिल होते रहे इस कार्यक्रम में। 8 अप्रैल को शहीद मंगल पांडे जी का शहादत दिवस है। इसी तिथि को अंग्रेजों ने उनको फांसी के फंदे पर झुलाया था और ये भारत माँ के लाल अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके भारत माँ को आज़ाद कराने का काम किया। तब से श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी को जब से ताकत मिली है तब से यह कार्यक्रम होता है और शहीद दिवस मनाया जाता है, शहादत दिवस मनाया जाता है। आज इस शहादत दिवस के अवसर पर 7 बजे सुबह से स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया गया। प्रभात फेरी के पश्चात यहाँ पर 8:30 बजे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिस झंडोत्तोलन किया गया, राष्ट्र गान हुआ, उसके पश्चात गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, खास तौर से समाजवादी पार्टी के राजमंगल यादव जी और भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश साहू जी, दोनों ऊर्जावान अध्यक्ष यहां पर आए। इसके अलावा पूर्व एसपी अमिताभ ठाकुर जी और उनकी पत्नी जो हाई कोर्ट में वकील हैं, नूतन ठाकुर जी, सभी लोग यहां आए। इसके अलावा सभी साहित्यकार, पत्रकार, छायाकार, राजनीतिक दलों के लोग, पूर्व जिला अध्यक्ष शशिकांत जी, ये स्थल पर शहीद मंगल पांडे की शहादत दिवस पर एक जो 1986 की बात हो रही है, यहाँ पे नवासी की बात हो रही है, अब तक इस स्थल पर कौन कौन लोग आ चुके हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं यहाँ पे? यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के 2 दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल और सैकड़ों की संख्या में विधायक यहाँ पर आए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात हो रही है? हाँ, चंद्रशेखर जी भी अर्पित किए हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए भी अर्पित किए हैं। इस प्रतिमा को लगाने में सबकी बड़ी भूमिका किसकी रही है? श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस प्रतिमा को भी लगाने में और उनके गाँव, पैतृक गाँव नगवा में भी लगाने में श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी की अहम भूमिका रही है और मुलायम सिंह यादव जी की भी अहम भूमिका रही है, चंद्रशेखर जी की भी अहम भूमिका रही है। और मैं अभी सभी अपने दिवंगत नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शशिकांत चतुर्वेदी जी को सुना कि 1989 में इस प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा का। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोगों ने आके यहां श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी आके शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने। आज ये कार्यक्रम देखा गया कि आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, सभी लोगों ने शहीद मंगल पांडे को याद किया क्योंकि आज 8 अप्रैल है, आज उनका शहादत दिवस है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।